हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू Sscmathon। SSC CGL Tier 2 2011 का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। बी 60% मोर एफिशिएंट, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया सर, 160/100। 60% मोर बराबर कितना, 160/100। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा सर, 12 के साथ गुना करेंगे, इसको पलट देता है एफिशिएंसी और डेज का रेशियो अलग पलट जाता है। ठीक है, तो 4 × 16, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो 5 दिन 15/2 दिन में बी काम खत्म कर लेगा। ठीक है, हाउ मेनी डेज बी एंड ए टुगेदर टेक द सेम जॉब, मतलब टुगेदर कितना दिन लगाता है ये काम करने में। सर 12 × 15/2 प्लस 12 + 15/2, ये हो जाता है आपका xy/x+y। अगर दोनों को एक साथ काम कराते हो तो 2 × 6 = 12, 12 × 2 = 24, और 15 कितना होता है सर, 5 × 4 = 39। तो यहाँ से 15 × 6/39 ऊपर 2, तो 3 × 6 = 3, 13 × 3 = 39। तो यहाँ पे कितना होता है सर, 15 × 6 = 60 होता है। तो 60/13 दिन में ये लोग काम ख़त्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, क्या इसमें कोई डाउट रहा, हमने क्या किया, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी और डेज का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफिशिएंसी आया 16/10, तो उसको क्या किया, पलट के गुना कर दिया हमने 12 के साथ। 60% मोर मतलब 160/100 हो जाता है। कोई डाउट इसमें, आशा करते नहीं है। तो थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।